फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की और साथ में हम बात करेंगे उनकी कंपनियों की। अनिल अंबानी के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं और साथ में उनके शेयर होल्डर के लिए भी लॉटरी के टिकट निकलने जैसी बातें हो गई है, क्योंकि संभावना अब पॉजिटिव बनने लगी है। उनको अब बहुत सारी राहत मिलनी शुरू हो गई है, एक बड़ी अमाउंट उनको मिलने वाली है, एक बड़ा केस वो जीत चुके हैं। तो एक तरह से अब देख लो कि समय का चक्र फिर से फेवर में आ चुका है अनिल अंबानी के, और इसके लिए इसके जो शेयर होल्डर हैं उनको भी प्रॉफिट मिलने की संभावना बन चुकी है। साथ में उनकी कंपनियों के अंदर शानदार तेजी का वातावरण फिर से बनने लगा है। मैंने पिछले दिनों आपको बोल दिया था कि इसमें आपको रिलायंस पावर वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक फिर से शानदार तेजी में आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, एक कंपनी है जिसमें से आपको बिल्कुल अब तुरंत निकल जाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वीक है, कौन सी वो कंपनी है, और एक कंपनी में आपको शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर रख सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म का उसमें नजरिया ना रखें, परंतु ऐसी दो कंपनियां हैं जिनमें आप निवेश लंबा रख सकते हैं। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियां क्या आगे जाके हमें मल्टीबैग रिटर्न दे सकते हैं। जिस तरह से सब पॉजिटिव माहौल बन रहा है, जिस तरह से बड़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है, क्या वाकई में ये स्टॉक आगे जाके हमें जैकपॉट लगा सकते हैं? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को 2800 करोड़ रुपीज को चुकाएगी, साथ में उनको ब्याज भी चुकाना होगा जुर्माने के रूप में। तो एक बड़ा फैसला आया है जो एक पॉजिटिव न्यूज है रिलायंस इंफ्रा के लिए। जैसे आपको पता ही होगा, पिछले दिनों अनिल अंबानी ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को कर्ज मुक्त करने की घोषणा की थी। अब उनके लिए जो फेवर में फैसले भी आने लगे, दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो मामले में दिल्ली में अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 2800 करोड़ रुपीज़ का मध्यस्थ अवार्ड बरकरार रखा और कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को रिलायंस इंफ्रा को 2800 करोड़ रुपीज़ विद ब्याज चुकाने ही होंगे। और आदेश के आते ही रिलायंस इंफ्रा के शेयर में आज जबरदस्त तेजी बनी है, 5% का अपर सर्किट लग गया है। और इसी तरह अनिल अंबानी की कंपनी को कुल 5800 करोड़ रुपीज़ मिल सकते हैं। यह अनिल अंबानी के लिए बड़ी राहत है। हाल ही में उनके समूह के लिए कई पॉजिटिव खबरें सामने आई है। अनिल अंबानी के लिए काफ़ी मायने रखती है, जो पिछले कई साल से आर्थिक रूप से काफ़ी परेशान चल रहे हैं, लगातार उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ का दौर शुरू हो चुका है। उनका टेलीकॉम फर्म दिवालिया हो चुका है, कई अन्य कंपनियां भी मुश्किल से चल रही है, समूह के ऊपर काफ़ी कर्ज है, ऐसे में इतनी बड़ी रकम मिलना काफ़ी अच्छी बात है उनके लिए। कंपनी के वकील ने एक एजेंसी से कहा है कि वह पैसे का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में करेंगे, तो ये जो पैसे मिलने वाले अनिल अंबानी को उससे वो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का और कर्ज कम करेंगे, इस तरह से वो कंपनी धीरे धीरे कर्ज मुक्त हो जाएगी। ये जो पूरा मामला है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की एक यूनिट ने साल 2008 में दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो के संचालन के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। यह देश में निजी हाथों को मिला पहला मेट्रो रेल प्रोजेक्ट था, जिसका साल 2038 तक संचालन रिलायंस ADAG को करना था, लेकिन फीस और कई अन्य चीज़ों को लेकर साल 2012 में हुए एक विवाद के बाद अनिल अंबानी की कंपनी ने इस प्रोजेक्ट का कामकाज छोड़ दिया। दिल्ली ने कॉन्ट्रैक्ट के कथित उल्लंघन के लिए दिल्ली एयरपोर्ट के खिलाफ आर्बिट्रेशन का केस फाइल कर दिया और टर्मिनेशन फीस देने की मांग की, और इस वजह से ये जो मामला आगे बढ़ा, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी अनिल अंबानी ग्रुप की और उनको अब मुआवजा मिलेगा विद ब्याज, जो बहुत अच्छी खबर है। और इसके साथ में ही बहुत सारी जो पॉजिटिव न्यूज़ निकल के लगातार आ रही है और इस वजह से उनके बहुत सारी कंपनियों का सेटलमेंट भी हो रहे हैं, इस वजह से अनिल अंबानी के दिन अभी अच्छे आने लगे हैं और बहुत जल्द इनके शेयर होल्डर को भी ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलेगा। अगर हम इनके शेयरों की बात, तो रिलायंस पावर आज 13.25 पर वापस आ चुका है, करीब 4.74% आई 5% का अपर सर्किट लगा है, यानी आप देख लो कि 11 रुपीज़ के आसपास से स्टॉक फिर से रिवर्स हो चुका है, अब काफ़ी अच्छा पॉजिटिव बन चुका है। वो मैंने आपको पहले ही बोला था, इसमें खरीदारी करके रखें, यह सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे आया था लेकिन अब फिर से दौड़ना शुरू हो चुका है। अगर हम इसके वॉल्यूम का एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 2 करोड़ का वॉल्यूम था, कल 1 करोड़ का वॉल्यूम था, आज फिर से 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, तो सर्किट के बावजूद भी 2 करोड़ का वॉल्यूम हो रहा है। अगर हम इसके पिवट लेवल की बात करें तो 12.15 इसका फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 11.65 का है और थर्ड सपोर्ट इसका 11.40 का है, तो बड़ी गिरावट में ये 11.5 के आसपास जा सकता है। ऊपर की तरफ अगर मूव करेगा तो फिर 12.90 इसका फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 13.15 का है
और थर्ड टारगेट इसका 13.65 का है, यानी 14 के आसपास जाने को स्टॉक तैयार हो चुका है। बिल्कुल निवेश आपको करना चाहिए और कंपनी लगातार अपनी इसमें होल्डिंग बढ़ाने की कोशिश कर रही है। प्रोजेक्ट इनके पास बहुत सारे हैं, इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है और पावर सेक्टर में आगे भी प्रचुर संभावना बन चुकी है। सरकार भी सहयोग कर रही है तो ये स्टॉक काफ़ी कमाल कर सकता है, आने वाले समय में आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। एक तरह से ये लॉटरी का टिकट साबित हो सकता है अगर आप इस समय निवेश करते हो तो। सेकेंड जो स्टॉक है रिलायंस कम्युनिकेशन, वहाँ पर भी शानदार तेजी बनी है। यहाँ पर भी लगभग अपर सर्किट लग गया है, स्टॉक 3 रुपये के आसपास पहुँच चुका है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था और कल इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, आज भी 2 करोड़ का वॉल्यूम, 2 करोड़ के वॉल्यूम के साथ में लगातार कामकाज हो रहा है। स्टॉक फिलहाल थोड़ा सा मजबूत लग रहा है। अगर हम इसके पिवट लेवल की बात करें तो यहाँ से स्टॉक अगर स्लिप हो जाता है तो 2.77 इसका फर्स्ट सपोर्ट है, 2.68 इसका सेकंड सपोर्ट निकल के आ रहा है और 2.62 इसका थर्ड सपोर्ट निकल के आ रहा है। यानी फिलहाल स्टॉक थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा तो 2.75 तक जा सकता है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 2.92 फर्स्ट टारगेट है, 2.98 सेकंड टारगेट है और 3.07 थर्ड टारगेट है। तो ऊपर की तरफ में ये आप देख लो 3 रुपये के आसपास आपको जाता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल 3 के आसपास ये 2.95 तक जा चुका है तो यहाँ पे अब लंबी तेजी की संभावना बहुत कम है। हो सकता है 3.5 से ये फिर से रिवर्स हो जाए तो आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें निवेश करके रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म का नजरिया बिल्कुल इसमें न रखें। चलते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, जो पॉजिटिव न्यूज़ के दम पे तेजी बनी और साथ में दूसरे इस ग्रुप के सभी शेयरों में शानदार इसने तेजी बनाई रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने, क्योंकि एक बड़ा केस इन्होंने जीत लिया। तो आज 74.20 पर करीब 5% का अपर सर्किट लगा है। अगर हम इसके वॉल्यूम का एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 11 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 9 लाख का वॉल्यूम था, कल भी 9 लाख का वॉल्यूम था, आज 15 लाख का वॉल्यूम हुआ, तो लगभग वॉल्यूम दुगुना हो चुका है। अगर हम इसके पिवट लेवल की बात करें तो यहाँ से स्टॉक अगर स्लिप हो जाता है तो 68.87 का फर्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा, वहाँ से नीचे स्लिप हुआ तो 67.03 तक जा सकता है और थर्ड सपोर्ट इसका 65.52 का है, यानी नीचे गिरावट में ये 65 तक जा सकता है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 72.22 का फर्स्ट टारगेट है, 73.73 का सेकंड टारगेट है और 75.57 का थर्ड टारगेट है। तो ऊपर की तरफ 75 है, नीचे की तरफ 65 है, तो फिलहाल ये लेंथ बन रही है इसकी, बिल्कुल निवेश करना चाहिए। ये लंबी रेस का घोड़ा, आपको पता होगा पिछले दिनों जब अनिल अंबानी के सितारे बुलंद थे तब ये स्टॉक 2000 के ऊपर ट्रेड करता था, अभी बिल्कुल कोड़ियों के भाव में मिल रहा है। निवेश का अच्छा मौका है, बना के इसको खरीद के रखें। चलते हैं रिलायंस होम फाइनेंस की तरफ, यह कंपनी सब्सिडियरी है रिलायंस कैपिटल की। स्टॉक में आज 5% का अपर सर्किट इसमें भी लगा है, तेजी बनी हुई है और स्टॉक फिलहाल आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश के लिए रख सकते हैं, परंतु लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, आपको थोड़ा सा निवेश के लिए इसको बनाए रख सकते हैं। लंबे विचार इसमें न करें, शॉर्ट टर्म के नज़रिए के हिसाब से निवेश करें। और लास्ट हमारा जो स्टॉक है रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग, ये बहुत ही वीक स्टॉक है। फिलहाल इतनी बड़ी तेजी के बावजूद भी यहाँ पर कोई तेजी नहीं बनी, जो इसकी क्लोजिंग थी कल वाली उसी क्लोजिंग पे इसने क्लोजिंग दी, यानी 2.90 पे। तो इतनी भयंकर पॉजिटिव न्यूज़ के बावजूद भी ये स्टॉक बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, बहुत ही वीक स्टॉक है, इससे आपको जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए, यह स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा लॉस करा सकता है। तो इस तरह से आपको निर्णय ले सकते हैं, इसमें जो मेरी राय मैंने लगातार आपको बताई हुई है, अगर आप अनिल अंबानी ग्रुप में निवेश करना भी चाहते तो 2 ही कंपनियां हैं, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके ये लंबी रेस के घोड़े हैं, आगे जाके आपको मालामाल कर सकते हैं, निवेश इनमें बनाए रखें। रिलायंस कम्युनिकेशन में शॉर्ट टर्म के नज़रिए के हिसाब से निवेश कर सकते हैं और रिलायंस कैपिटल में आप शॉर्ट टर्म का नज़रिया ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।